बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपको उर्दू की जमात में खुश आमदीद कहती हूँ। सबक शुरू करने से पहले हम इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ेंगे। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तदरीसी मकासद। इस सबक के अहतमाम पर बच्चे हरफ काफ की पहचान, ज़खीरा अल्फाज की पहचान और हरफ काफ की लिखाई की मश्क कर सकेंगे। अब हम हरूफ तहज्जी का साउंड राउंड करने लगे हैं और ये साउंड राउंड हम तरतीबवार नहीं करेंगे। तो पहला हरफ हमारा कौन सा है? रे। रे। कौन सा हरफ है? रे। शाबाश। आगे क्या है? शीन। शीन। ते। ते। शाबाश। ये शाबाश। चे। चे। शाबाश। दाल। शाबाश। और क्या है? रे। रे। शाबाश। दाल। दाल। जाल। जाल। सीन। सीन। जे। शाबाश। बे। बे। खे। खे। शाबाश। ये क्या है? पे। ते। ते। शाबाश। जीम। जीम। ये क्या है? अलीफ। ज़बरदस्त। और कौन सा हरफ है? खे। खे। शाबाश। और क्या है? से। से। शाबाश बच्चे। प्यारे बच्चों, ये हमारा हरफ है काफ और इसके ऊपर एक आड़ी लाइन है। आइए अब इसकी हम कहानी सुनते हैं। लाइब्रेरी में आ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारी किताबें भी हैं। किताबें भी रखी हुई हैं यहाँ पे। और काफ कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम काफ, कैसे हैं आप? आप यहाँ पे क्या किताबें लेने के लिए आए हैं? अच्छा, देखिए काफ तो ऊपर गया और उसने शेल्फ में से एक किताब उठा ली है। ये तो कहानी की किताब है। काफ, ये कौन सी कहानी है? बच्चों, क्या आप सबने कहानी सुननी है? चलें चलते हैं और देखते हैं ये कौन सी कहानी की किताब है। अरे, इस कहानी में तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और यहाँ पर तो एक कौवा भी आ गया है। मुझे पता है ये प्यासे कौवे की कहानी है। आपको जग में पानी नजर आ रहा है ना? लेकिन वो इतना कम है कि कौवे की चोंच नहीं जा पाएगी। तो कौवा अपने पास पड़े हुए कंकर उठाकर, क्या उठाकर? कंकर उठाकर इस कांच के जग के अंदर डालेगा और पानी ऊपर आ जाएगा। चलो भाई कौवे, कंकर उठाओ और पानी में डालो। कौवे ने कंकर उठाया और आगे गया और जग में डाला। खुड़ पानी थोड़ा सा ऊपर आ गया। शाबाश, एक और कंकर। कौवे, कौवे ने एक और कंकर उठाया और ऊपर गया। 1 2 3 खुड़ो, पानी तो और ऊपर आ गया। अब कौवा पानी पी सकता है। और ये जो ऊपर बैठी हुई कोयल है ना, इसको भी बहुत प्यास लगी है। और यहाँ पे एक और परिंदा भी आ रहा है, उसकी आवाज आ रही है ना। तो कौन है वो? ये तो है कबूतर। तो चलें अरे आपने कुल्हाड़ी देखी? इससे तो हम लकड़ियाँ काटते हैं। अब हम इन सारे परिंदों को यहाँ पर पानी पीने देते हैं। जो ये है हमारी अशिया की टोकरी। आइए देखिए आज हमारे पास इस टोकरी में क्या क्या है। अरे वाह, ये क्या है? ये तो हमारी उर्दू की किताब है और इसका शुरू का हरफ है काफ। काफ से किताब। और क्या है हमारे पास? ये क्या है? ये है कुर्सी। क्या है ये? कुर्सी। और इसका शुरू का हरफ है काफ और कुर्सी पे हम बैठते हैं। ये क्या है? ये है कंघा।
और इसका शुरू का हरफ भी काफ है और इससे हम बाल बनाते हैं, काफ से कंघा। ये क्या है जी? और हमारे पास ये है केला, काफ से केला। और ये एक फल है और इसका जायका होता है मीठा। और क्या है? ये है कान। आपके पास भी कान है ना? और कान से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। इन जो आज हम उर्दू की जमात में हरफ काफ की लिखाई की मश्क करेंगे। पेंसिल को सिक्के के करीब से पकड़ना है, नुक्ते आगाज पे पेंसिल को रखेंगे, बे की तरह बनाएंगे और आड़ी लाइन लेके आएंगे और इसकी इसके साथ दोस्ती कर देंगे। कैसे लिखेंगे? नुक्ते आगाज पे पेंसिल को रखना है, बे की तरह बनाएंगे, वो आड़ी लाइन लेके आएंगे और इसके साथ इसकी दोस्ती कर देंगे। नुक्ता आगाज से नीचे आएंगे, बे की तरह बनाएंगे और आड़ी लाइन लेके आएंगे और इसके साथ इसकी दोस्ती कर देंगे। तो ये हमारा हरफ है काफ। घर का काम सफ़ा नंबर 64, हरफ काफ की लिखाई वर्कबुक नंबर 2 पर। प्यारे बच्चों, आपने इस सफ़ा पे बहुत अच्छा सा काम करना है। अपलोडिंग की हदायत, मोहतरम वालदैन, बच्चे का काम मुकम्मल होने के बाद इस काम की तस्वीर या छोटी सी वीडियो बनाकर गूगल क्लासरूम में अपलोड करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों।